Yeah, hi. My name is Dalit, and on the behalf of Prime Academy Pune, I'll be discussing JE Advanced Paper 1. So, आज 21 May 2017 को JE Advanced का पेपर हुआ है और उसका पेपर 1 हमारे हाथ में अभी इस वक्त. And we feel that it is relatively at a very easy side compared to last year. Last year का पेपर काफी ज्यादा tricky था. इस बार ये सारे questions जो हैं काफी straightforward हैं. And the best part is, maybe for few of you it may be the worst part. That इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है. सो दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल विद द कांसेप्ट, दे नीड नॉट टू मच ऑफ यू नो मैथमेटिकल जागन. वो बड़े बड़े इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है. कंसेप्ट आता है तो फटाक से आंसर आता है. यस, देर आर सम एक्सेप्शन. एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया था जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी काफी ईजी है. एंड माई कलीग सर राहुल गावरी विल बी असिस्टिंग मी हियर. एंड डीसी पांडे सर एंड राहुल सर दी आर द गाइज हु आर हेडिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट. तो अगर मेरे सॉल्यूशन में गड़बड़ होती है तो आपको पता है किसको पकड़ना है. ठीक है, सो फाइन, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन वन हियर. सो क्वेश्चन वन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. इनफैक्ट अगर आपने एचसी और मार्क्स की तरह सॉल्व किया है तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक बंदा ऊपर से गिरता है और बैग फेंक देता है. तो वो बैग कितना दूर गिरता है, ऑल सच थिंग्स. सो ये क्वेश्चन काफी हद तक उसे मिलता जुलता है. क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि देयर इज अ मास एम, ये कैपिटल एम, और उसमें एक कट मारा हुआ है सर्कुलर. जब ये नीचे जाएगा तो इस नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से मास एम इधर खिसकेगा. फाइन, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जब ये कॉन्टेक्ट लूज करने वाला है, एट दिस पॉइंट जब ये मास यहाँ पहुंचता है देन इट विल लूज कॉन्टेक्ट. तो जब कॉन्टेक्ट लूज करता है उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑल दिस थिंग्स हैव बीन आस्क्ड हियर. तो मैंने अस्यूम किया कि ये मास डी ड्रिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में. ओके, एंड व्हेन इट कम्स डाउन देन इसकी वेलोसिटी जो है वो है u और इसकी वेलोसिटी है v. नाउ बी केयरफुल, दी आर द वेलोसिटी इन योर रेफरेंस फ्रेम. कोई बंदा जो स्टेशनरी है उसके फ्रेम में u और v दी गई है. और यहां पर जो स्टूडेंट थोड़े मिस्टेक कर देते हैं वो शायद तब कर देते हैं जब वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि ये वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में है कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में. सो एनीवे, अब कन्वेंशन इज दी आर द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर देयर. तो अब क्या हुआ, ये मास यहां से घूम के नीचे तक आया. तो ये जो एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी है, ये गेन की है. कहां से गेन की है इसने? एट अ कॉस्ट ऑफ लॉस इन, एट अ कॉस्ट ऑफ लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आर लेंथ दी हुई है. ओके, वन मोर थिंग, एक्चुअली दैट वी हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट पेपर, अपने एक बार पेपर खुद सॉल्व किया हुआ है. सो दिस एनालिसिस इज गोना बी अ काइंड ऑफ हिंट फॉर यू, क्योंकि अगर आपने एक बार पेपर देखा नहीं और डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो यू माइट फाइंड डिफिकल्ट. वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट हियर, उनको लगभग आधे घंटे पूरा पेपर खत्म करना है, पूरा एनालिसिस खत्म करनी है. तो वी विल बी हिटिंग द मेन पॉइंट्स हियर. एनीवेज, तो इट इज लॉस्ट ऑन मैग्नेटिक, सॉरी इट इज लॉस्ट ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एमजीआर, एट अ कॉस्ट ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसका हाफ एम यू स्क्वायर हो गया और इसका कैपिटल एम मास है तो कैपिटल एम वी स्क्वायर हो गया. राइट, दिस वन इक्वेशन. एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस डायरेक्शन. हालांकि इसमें नॉर्मल लग रहा है बट दैट्स द इंटरनल फोर्स. सो वी कैन से स्मॉल एम यू इक्वल टू कैपिटल एम वी. So when we solve these equations, we get the value of V as, that is A option. So we have marked the correct options A. अभी देखो इसकी शक्ल देख के लग रहा है, अगर आप देखो पहली बार पहली बार स्टूडेंट एग्जामिनेशन आपको सॉल्व करोगे आपका A करेक्ट हो गया. फाइन, सो उसका क्लियरली मतलब निकलता है कि यू नो आपका B आंसर करेक्ट नहीं सकता. By you know looking at the expression you can figure out कि A और B जो है वो symmetric type के figures expressions होने चाहिए. तो बी को मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. बी कैन नॉट बी द राइट आंसर, जैसे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के बारे में बात की है, उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डी, हाउ मच ड्रिफ्ट, इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये मास, बड़ा वाला मास लेफ्ट साइड में, या ये मास कितना ड्रिफ्ट हुआ है. सो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये मान लो डी ड्रिफ्ट हुआ है और ये नीचे आ रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में ये छोटा मास है, ये जो है छोटा वाला मास है ये लेफ्ट साइड में आया होगा, कितना आया होगा ये R माइनस डी. फाइन, अच्छा ये फिगर जो बनाया हुआ है ना, इसमें ये पूरा का पूरा सिस्टम लेफ्ट में आ गया ऐसा. R माइनस डी इंटू मास m प्लस कैपिटल m इंटू डी. ओके, तो ये दोनों का चेंज है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज नो इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट आंसर इज डी. सो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राहुल. या वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 2.
बड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था ये जो रहेगा सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर, तो उसका हमें एकदम याद ही है। सीरीज आरएलसी सर्किट में ऐसा होता है कि वोल्टेज जब हम जो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इनके बीच में रहता है एक फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और बीच में आता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द करंट इज ऑल्सो कमिंग इन फेज। ऐसे हम लोग यहाँ पर इनके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव गॉट रेजिस्टेंस आर ओमेगा एल वन बाय ओमेगा सी, ये स्टैंडर्ड बातें हम इसे ज्यादा कंपेयर करते हैं इस आईडीजी में आए हुए क्वेश्चन से। यू नो दैट व्हाट वी आर रियलाइजिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वेन एवर ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी तो आता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा इज वन बाय रूट ओवर एल सी, ठीक है, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 10^6 रेडियंस पर सेकेंड। नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट द ऑप्शन ए, क्या दिया हुआ है, इफ एट ओमेगा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो द करंट फ्लो द सर्किट बिकम्स नियरली जीरो। बात सही है, ओमेगा अगर मान लो जीरो की तरफ टेंड करेगा तो वन बाय ओमेगा सी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो इम्पीडेंस भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो करंट फ्लो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी जीरो, तो हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। उसके बाद बोला कि ओमेगा इज मच मोर ग्रेटर देन 10^6 रेडियंस पर सेकेंड एंड इट इज सेट दैट द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। नाउ दैट पार्ट इज रॉन्ग बिकॉज ओमेगा अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाता है तो इन दैट केस ओमेगा एल विल बी कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा सी, सो ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग लाइक इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस सर्किट, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी क्या दिया हुआ जरा देखें, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बिल्कुल सही। ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस समय क्या हो जाता है, एट दैट टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड दैट इज ऑल्सो द नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड बाय द बैटरी, तो दैट एंड दिस करंट आई बोथ आर कमिंग देयर इन फेज, ऑप्शन सी भी राइट हो गया है। एंड देन ऑब्वियसली द ऑप्शन डी आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल बिफोर दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वॉज 10^6 रेडियस पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बोला 10^4 रेडियस पर सेकेंड, दैट विल बी नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री है, सो अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अभी जो बच्चे यहाँ प्राइम अकेडमी के उन्होंने कई बार क्वेश्चन पहले क्लास में भी सॉल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि देयर इज अ रो ऑफ मास एम, और मास शायद ले दिया उसका व्हाट एवर द रो व्हिच हैज गॉट सम मास और नीचे कैपिटल में नीचे लटका हुआ है इसके। नाउ टू पल्सेस आर गिवन, एक पल्स यहाँ पर दी है जो कि ऊपर मूव करेगी और एक पल्स यहाँ पर दी है जो नीचे मूव करेगी, सो उनके टाइम के बारे में उन्होंने बात की हुई है। फाइन, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस होती तो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग टेंशन सेम हो जाती है, बट इस केस में इसका एक मास है तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट, बट द बेस्ट पार्ट इज इंटीग्रल एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पूरा इंटीग्रेशन स्किप कर सकते हैं। एनी वे द फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर मुझे बोला जाए कि इंटीग्रेशन क्या है, देन आई कैन पुट लाइक दिस, सी से मे बी दिस इज द ओरिजिन हियर, ओके एंड से दिस इज एक्स and it's going up, x-axis is going up, so इस point पे जो tension होगा वो आपका function of x आ जाएगा, right? So t will be a function of x, so velocity will be equal to root t by mu, this is velocity, so you can see velocity at any point will be function of x only, तो अगर ऊपर जाए और नीचे जाए इन both cases स्ट्रिंग को नहीं पता कि वे ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, स्ट्रिंग बस ये बताने वाली है कि एट विच पॉइंट आपकी वेलोसिटी क्या होगी एज फंक्शन ऑफ एक्स, एंड दैट टोटली डिपेंड ऑन दिस थिंग। फाइन, सो इन दिस केस जिस रिलेशन से द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विच इज वेलोसिटी वी फॉलोइंग दैट इज एक्जैक्टली दिस, फॉर अपवर्ड एंड एज वेल फॉर लोअर कमिंग डाउन दे विल बी सेम, सो इन दिस टाइमिंग्स वगैरह सेम हो जाएंगे, सो दैट विल डी ऑप्शन इज करेक्ट, time to go up and time to come down will be same. Now at a middle point जो ऊपर और नीचे जाने वाली velocities हैं, यहाँ पर कई लोगों ने शायद mistake की है, यहाँ पर tension same रहेगी, right? तो जो speed of wave है वो same होनी चाहिए, भले ऊपर जाओ या नीचे जाओ, but you know there's a very tricky term there, उन्होंने velocities term use किया है, तो भले ही आप 5 meter per second से ऊपर जाओ और 5 meter per second से नीचे जाओ, but they are not same because directions इसमें include हो गए, the moment they use the velocity, so that way we have to discard A option, अब D correct है, then the velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength, I mean that velocity depends only on this, so frequency and wavelength का सवाल ही उठता, तो B is correct and C option is
the wavelength of pulse 1 becomes longer when it reaches point A. Then again the wrong thing, because you know this is only depending on the tension, so hamesha is same rehne wala. B and D are the correct options here. Okay, so we now continue with this question number 4. Another very interesting question from the kinetic theory of gases. हमें पता ही यहाँ पर फॉर्मूले वी आर एम एस वी एवरेज वो सब, तो इन लोगों को ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर कि कोई एक रूम है जहाँ पर काफी लो प्रेशर पे गैसेस है एंड द स्पीड ऑफ अ प्लेट इज देयर व्हिच इज गोइंग विद सम वेलोसिटी ऑफ वी, या तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं सब मूव करें विद सम वेलोसिटी देयर, सो यू नो द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन टू अस एज यू, है ना. कोई भी मॉलिक्यूल मान लेते हैं इसका मास स्मॉल एम है और जो वी एवरेज दिया हम लोगों को दैट इज गिवन टू अस एज यू. Now, when I'm looking at the options, I'm seeing that they are asking something regarding the pressure difference between the leading and the trailing faces of the plate, है ना. तो मान लेते हैं प्लेट इस तरफ जा रहा है तो इस प्लेट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिफरेंस इन प्रेशर होगा. इस क्वेश्चन को एनालाइज करना काफी आसान हो जाएगा अगर हम इसको इस प्लेट के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वेसल दैट इज इक्वल टू एन. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कैपिटल वी ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. उसके बाद मैं जैसे यहां कंसिडर करता हूं कि जब ये प्लेट सामने की तरफ जा रही है तो कोई dx लेंथ है यहां पर, सम dx लेंथ एंड मेबी दिस एरिया आई एम सेइंग इज कैपिटल ए, अल्टीमेटली पूरा ही प्लेट का एरिया हो जाएगा. तो इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये सब इसको मान लेते हैं स्ट्राइक करेंगे इन दिस टाइम इंटरवल ऑफ dt, dt टाइम इंटरवल में उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है. तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम रहेगा a इंटू dx. तो आई कैन से दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइकिंग दिस प्लेट, ठीक है, एंड द टाइम टेकन इज dt. तो मैंने लिख दिया है यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग दिस प्लेट फ्रॉम द राइट साइड एंड दैट इज पर यूनिट टाइम, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल से. तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन. अब ये इंटरेस्टिंग बात है, हम प्लेट रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं तो अप्रोच वेलोसिटी जो यहां पर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यू प्लस वी, और क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा प्लेट का मास भी काफी बड़ा है तो हम मानेंगे कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में प्लेट के मास में कोई प्लेट की वेलोसिटी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. सो टू मेंटेन दिस ई इज इक्वल टू वन, अप्रोच वेलोसिटी भी u प्लस वी रहेगा और सेपरेशन वेलोसिटी भी इस प्लेट के रेफरेंस फ्रेम में रहने वाला है u प्लस वी. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, विल बी ट्वाइस ऑफ m एंड दैट इनटू u प्लस वी. तो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स. लेकिन हमें जो प्रेशर पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे सो वी विल बी गेटिंग द प्रेशर. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ए ने स्ट्राइक्स आउट, ये हमारे पास आ गया है द वैल्यू ऑफ द प्रेशर. एंड नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, सी दिस dx बाय dt. ध्यान देना कि जो dx है ये रिलेटिव तरीके से कवर किया गया है, थोड़ा सा dx1 इस प्लेट पे चला है, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ने dx2 कवर किया है, वो dx1 प्लस dx2 दैट इज इक्वल टू dx. दैट मीन्स dx1 by dt will be equal to v and dx2 by dt will be equal to u. इसलिए dx total divided by dt इसको हमको लिखना पड़ेगा u plus v. तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा आ जाएगा twice of n by v, ये तो चलो कोई कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा, दैट मल्टीप्लाइड बाई n एंड दैट इंटू यू प्लस वी द होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने dx वैल्यू को भी u plus v से ही रिप्लेस कर दिया है. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज प्रेशर फ्रॉम द फर्स्ट साइड, लेट मी कॉल इट द प्रेशर ऑन द फर्स्ट साइड. अगर मैं प्रेशर ऑन द सेकेंड साइड कैलकुलेट करूंगा बहुत आसान है, जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी वैल्यू कितनी दिखाई देगी हमको यहां पर, इट विल बी इक्वल टू यू माइनस वी. तो यहां मोमेंटम में भी यू माइनस वी आ जाएगा, ये dx रिलेटिव वेलोसिटी ये भी यू माइनस वी हो जाएगा. तो इन दैट केस आई विल बी गेटिंग दैट द प्रेशर p2 विल बी द सेम थिंग 2n बाय v दैट इनटू n, और यहां पे आएगा u माइनस वी द होल स्क्वायर, बिल्कुल वही वाली बात आ गई. अब यहां पर जो फोर्स एक्ट करने वाला है अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड, देयर इज मे बी सम एफ एक्सटर्नल विच इज एक्टिंग लाइक दिस, इसकी वैल्यू एफ दी हुई है, उसके अलावा है पी वन माइनस पी टू इंटू एरिया इज ऑल्सो एक्टिंग. सब्ट्रैक्ट करेंगे पी वन माइनस पी टू इंटू एरिया, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है. एक बार स्पेशल नोटिस करो, यू प्लस वी होल स्क्वायर माइनस यू माइनस वी द होल स्क्वायर, तो ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, तो वो जो नंबर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी टू यू इंटू टू वी. सो यू विल रियलाइज
that P1 minus P2 and that into area is proportional to ultimately 2U into TU मतलब proportional to U into V आ गया है। एक बार ये पार्ट सॉल्व हो जाए पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड द ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू इन टू बी, देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी, द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट ऑल टाइम्स, दिस विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज ये जो प्रेशर फोर्सेस है ये धीरे धीरे बदलेंगे क्योंकि U तो कॉन्स्टेंट है बट V इज गोइंग ऑन चेंजिंग, इसलिए ये वेरिएबल फोर्स होने के कारण द एक्सेलरेशन जस्ट कैन नॉट बी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। उसके बाद एट अ लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स एफ बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है ये बात भी सही है। देखो ये V धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स भी बढ़ने वाला है, किसी एक समय ऐसा जरूर होगा जब ये फोर्स जो है बैलेंस कर देगा इस एक्सटर्नल को और टर्मिनल वेलोसिटी जैसी कोई चीज यहां पर अचीव हो जाएगी, फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स हैज बिकम जीरो। लास्ट ऑप्शन, रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, बात सही है दिखाई दे रहा है प्रोपोर्शनल टू वी, तो हमारे राइट ऑप्शन यहां पर है ए सी एंड डी। ओके बिल्कुल ऐसा ही जो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स में, इट वॉज बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर, दैट इज कुछ दिया था कि ह्यूमन बॉडी हैज गॉट सम सरफेस एरिया, नो यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक हमारा बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, कभी हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगे तो हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को ऐसे कर्ल अप करने की कोशिश करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स को हम कम कर रहे हैं या कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हम कर रहे हैं, इट इज नथिंग लाइक दैट, बट होता क्या है कि हम सर्फेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। नाउ सर्फेस एरिया रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड विच इज बीइंग एमिटेड बाय द बॉडी इज डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो व्हेन दिस थिंग हैपन्स देन यू विल रियलाइज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी लेट अस से कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फूड एनर्जी दैट इज ऑल्सो बी डिक्रीजिंग। मैं इस वाली बात को जरा लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा इस बात को ध्यान से, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिस इज द बॉडी, ठीक है, अब ऐसे ही बना लेते हैं बॉडी को, और जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट, इन फैक्ट द बॉडी का टेम्परेचर इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 10 केल्विन एंड द रूम टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू टी नॉट, और इन लोगों ने दिया है कि टी नॉट का वैल्यू 300 केल्विन। जो हम लोग स्टीफन्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स लॉ को डिराइव करने के लिए, सो सो व्हाट हैपेंस इज कि उस केस में हम देखते हैं बड़ा कॉमन सी चीज कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग एमिटेड समथिंग लाइक एमिसिविटी जो भी है अभी उसे 1 ही मान लेते हैं, सिग्मा एर इंटू सरफेस एरिया भी इन लोगों ने 1 मीटर स्क्वायर ही दे दिया है, ठीक है, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय इट विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक इट्स टी नॉट प्लस 10 रेज टू पावर ऑफ 4 एंड माइनस ऑफ टी नॉट रेज टू पावर ऑफ 4, तो यह जाएगा द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग रेडिएटेड बाय द बॉडी। फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, ये तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे पर्सन के अंदर जो भी इसने खाना खाया हुआ है जो भी फूड एनर्जी इसके पास में ये फूड एनर्जी कंज्यूम होती जा रही है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज बेसिकली मेंटेन, वो कम एनर्जी एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है और ज्यादा एनर्जी वो एमिट कर रहा है, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, समथिंग लाइक द हार्ट, ओके, और मे बी जो भी ब्लड पंप हो रहा है उसके थ्रू ये सारी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने हीट ट्रांसफर चैप्टर में पहले भी देखे हुए हैं, जहां पर कोई रूम है और अंदर कोई हीटर रहता था और हीटर प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टेंट पावर और उसके थ्रू जो दीवार है उसके अक्रॉस दीवार के इनसाइड वाले टेम्परेचर और बाहर वाले टेम्परेचर उसमें डिफरेंस कॉन्स्टेंट मेंटेन रखा जाता था, तो वैसे जो वहां पे इलेक्ट्रिकल पंप रहता था उसका रोल अब यहाँ पे जो हार्ट पंप हम बोल सकते हैं दैट इज बीइंग प्लेइंग। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज पहला ऑप्शन देखते हैं, Reducing the exposed surface area of the body allows humans to maintain the same body temperature while reducing the energy loss by the radiation. The difference कौन provide कर रहा है? That is something like the food energy which is being consumed. The food energy which is being consumed per unit time. ठीक है? तो क्या होने वाला है कि they have said कि अगर हमने surface area को reduce कर दिया, so in that case the amount of energy which is lost this one that is also going on decrease again to radiation energy ke form mein ja raha hai, to hum bol sakte hain definitely this option A that is correct. Okay,
उसके बाद फिर ऑप्शन बी पे आते हैं, ये तो इट इज रॉन्ग एज कम एज वी आर फॉलोइंग द ग्रीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. क्या लिखा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लेट अस से शिफ्ट इन द पीक इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एंड वुड शिफ्ट टू लॉन्गर वे. दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि लैम्डा एम इनटू टी इज कांस्टेंट. अगर अपन टी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम कम होगा, इट कैन नॉट बी इंक्रीजिंग. सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. उसके बाद ऑप्शन सी जो है उसमें दे आर सेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन वन सेकेंड इज क्लोज टू 60 जूल्स. ओके, सो नाउ यू नो व्हाट दे आर यूज्ड हियर इज दैट इज इस वाले पार्ट में इन लोगों ने रेडिएशन से इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग एब्जॉर्ब माइनस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग एमिटेड. तो इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, सिग्मा इनटू एरिया वैसे ही है, टी नॉट रेज़ टू द पावर ऑफ 4 को मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लेंगे तो 4 × 10 एंड दैट डिवाइड बाय टी नॉट आ जाएगा और माइनस वन, माइनस वन प्लस वन दैट स्ट्राइक्स आउट. ओके, और इसमें इन लोगों ने सिग्मा इंटू टी नॉट रेज़ टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू दे दिया है 460, तो आई विल यूज इट 460. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट वॉज 1, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक और 40 एंड दैट थिंग डिवाइडेड बाय हाउ टी नॉट जो इन लोगों ने दिया हुआ 300. इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं सो वी आर फाइंडिंग दैट दिस कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 61 पॉइंट समथिंग. तो वी कैन सी वेरी क्लियरली इक्वल टू 60 जूल्स. इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सी जो है दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी करेक्ट. ऑप्शन डी द लास्ट वन, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है. दे आर सेइंग दैट द सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट से थोड़ा सा कम हो गया है डेल्टा टी नॉट. ओके, तो बोल रहे हैं कि द ह्यूमन बींग्स नीड टू रेडिएट सम 4 σT³³ × Δt मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम. दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन वन लाइन एंड दैट विल बी दैट एमिसिविटी 1 मान लेते हैं, सिग्मा इंटू एरिया भी 1 हो जाएगा एंड दैट इज टू टी नॉट रेज टू पावर ऑफ 4. ये मान लेते हैं शुरू में एटमोसफेयर से वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और अब कितना एब्जॉर्ब करेगा, टी नॉट माइनस डेल्टा टी रेज टू पावर ऑफ 4. तो ये आ जाएगा द डिक्रीज इन द एब्जॉर्ब एनर्जी और यही उसको फिर ज्यादा रेडिएट करना पड़ेगा. जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सो दिस पावर ऑफ 4 इज गेटिंग इनसाइड देयर, टी नॉट रेज टू पावर ऑफ 4 इज टेकन आउटसाइड. सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग द आंसर विच इज गिवन देयर 4 σT³, क्योंकि वहां पे भी वैसे ही आ रहा था, इसलिए आई एम नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली नाउ. बस खाली यहाँ पे टी नॉट रेज़ टू पावर ऑफ 4 बाहर ले लेना तो यहाँ पे डेल्टा टी का टर्म आ जाएगा. सो 4 σT³ एंड दैट थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय दिस डेल्टा टी नॉट एज इट इज गिवन. सो अवर ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो यू कैन कंटिन्यू विद द सिक्स्थ क्वेश्चन देन. ओके, नाउ नंबर 6 दैट कम्स फ्रॉम ऑप्टिक्स. तो इफ यू आस्क मी that if I'm taking the test, if I'm for the exam, dekh raha hu, so which question should be the last question to be solved in this particular exam, then I will say question number 6. So aisa nahi ki question number 6 bahut hi tricky hai, but is question mein jo kind of trap bol sakte hain, wo trap so mathematical hai ki bahut kuch karna pad raha hai. So many questions as you can see, like isme jo maine green zone mein likha hua hai, these 3 green, 4 green boxes, these 4 green boxes, ye sirf physics hai, baki pura jo hai isse mathematical calculation hai. So this is a little lengthy compared to most of the problems. If you are solving this problem, then it should be assumed that आपने बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए. तो ओके, स्टार्ट करते हैं. प्रिज्म दिया हुआ है, ये एंगल ए है, आइसोसेलेस प्रिज्म, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे उसके. ओके, नाउ अब ये सारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, आर्म्स आर इक्वल टू ए एंड डिविएशन प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, एंड व्हेन इट इज अ मिनिमम डिविएशन देन इन दैट केस आई इज इक्वल टू ई, राइट? और जब आई इक्वल टू ई होता है तो ऑटोमेटिकली आर वन इक्वल टू आर टू हो जाता है, फाइन. और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्होंने, इन दिस क्वेश्चन दे हैव मेंशन That, इसका जो मिनिमम डिविएशन है वो ए ही है, तो यहां पर मैंने डेल को ए पुट कर दिया और सिंस इट मिनिमम आई को ई के बराबर पुट कर दिया, सो आई प्लस इक्वल टू 2i एंड आई गेट आई इक्वल टू 2a. सो बेसिकली दिस इज द सेक्शन व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम कैलकुलेशन. तो इसका आई इक्वल टू ई आ गया. नाउ वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ आई एस ए, उसका मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन क्लिक होता है मेरे पे यहां पे, थर्ड ऑप्शन बोलता है इफ आई इज इक्वल टू ए देन द रे इज पैरेलल एंड वी नो दैट देन इज द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और आई इक्वल टू ए इज एन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन में बताया नहीं कि उन्होंने मिनिमम एंगल पे स्ट्राइक किया है, क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि
a is the minimum angle of deviation and that gives us y equal to a here. Fine. So ये आपका c option correct होता है कि ये इसके parallel होना चाहिए. Now coming back to the first part, a part, the minimum deviation, the incident ray I1 and the reflective angle r1 at the first reflecting surface r rated r1 equal to I by 2. So that also we got here. R1 equal to I2 और this is I by 2 only. So A option is correct. Now फिर वो पूछता है कि if the same prism is used, but at this point of time, the ray which falls on the first surface is such that when it comes here, it grazes here. क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि यह graze करता है. तो जब ये graze करता है, so the direct thing which clicks us is it should be a critical angle, right? This should be critical angle. So अब इसको critical angle लिखना है C. तो ऑटोमेटिकली आर टू जो आपका सी के बराबर होता है. फाइन. और जब आर टू सी के बराबर होता है तो एनी वेज हम लोग 1 बाय साइन सी इक्वल टू व्यू लिखते हैं. तो उससे साइन आर टू इक्वल टू 1 बाय व्यू मिल गया मेरे को. अभी साइन आर टू इक्वल 1 बाय व्यू यहाँ मिल जाता है और हमको पहले से पता है कि वो साइन है बाय साइन आर वन. तो एनी वे विच स्ट्राइक्स हियर साइन है बाय साइन आर वन इक्वल टू व्यू ओनली. सो दिस एंड दिस बी क्लब. तो यहाँ यू एस को डायरेक्ट कर दिया फिर मैंने 1 बाय साइन आर टू बना दिया. एंड फाइनली it comes out to be 1 by sin r2 comes out to be this, right? Because I की value a है और r की value a by 2 पहले दिख चुके हैं यहाँ पर. So when you solve this, you finally get sin r2 as this. This is the complete mathematical part, right? अभी question पूछ रहा है I क्या है? What should be is I? So I know that sin I by sin r equal to mu. For whatever reason, sin I by sin r equal to mu होना ही चाहिए. Okay? So sin I equal to sin r1 by sin r2 हो गया यहाँ पर. और r1 को मैंने ये यूज किया r1 लिखा नहीं किया मैंने. एनीवेज r1 प्लस r2 इक्वल टू ये लिखा हुआ सॉरी दिस रिटन हियर. सो r1 को मैंने a माइनस r2 पुट कर दिया यहां पे. देन फाइनली माय a इज डिवाइडेड ऑफ दिस r2 अगेन. फाइन. तो यहां से मेरे को sin r2 a के टर्म्स में मिला हुआ है. तो अगेन द प्योर मैथ्स इसको एक्सपैंड किया मैंने sin a cos r2 माइनस cos a sin r2 ब्ला 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 ब्ला. तो कैंसिल हो गया पूरा यहाँ पे. और साइन आर टू की वैल्यू ये आती है. तो बाय सिंपल ट्राइंगल यू कैन फिगर आउट टेन आर टू की वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉट आर टू हियर एंड यू गेट दिस आंसर. तो साइन आई इक्वल टू दिस एंड इज आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस. सो दैट टेक्स केयर ऑफ डी ऑप्शन करेक्ट. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. 7 में बोलता है कि एक रिंग है जिसको थोड़ा ऐसे बना हुआ है. इट्स समथिंग लाइक दिस. Sorry. There are two rings. नीचे वाले का एरिया डबल है और कनेक्शन भी ऐसा है कि दे आर नॉट टचिंग ईच अदर हियर. दे आर नॉट टचिंग ईच अदर हियर. फाइन. सो इस काइंड ऑफ यू नो उसको ऐसे फ्लिप किया ऊपर वाले को. ओके. तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है. नीचे वाले का एरिया डबल है. Now this whole setup is rotating about this axis. Fine. अब जब रोटेट होगा तो एज पर बेसिक फैराडेस लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? अब इसका एरिया डबल होने की वजह से इसमें इससे डबल मैग्नेट होगा. सो मान लो इसमें किसी इंस्टेंट पे ई होता है तो इसमें माइनस टू ई हो जाएगा. वाई माइनस टू ई? बिकॉज उसका ऑरियंटेशन है उल्टा है, राइट? वहां पर करंट ऐसे जाएगा, उसके लिए करंट ऐसा हो जाएगा. Fine. So any instant if E is induced in this, so minus E will be induced in this. So total जो है minus E induced हो जाएगा. अब first part ये है the amplitude of the maximum net EMF induced due to both the loops. And due to both the loops, किसी instant minus E है, then at that instant इसमें E होना चाहिए. So magnitude of EMF induced in this taken separately is exactly equal to the magnitude of the whole thing. So A option is correct. Now the rate of change of flux is maximum when the plane of the loop is perpendicular to the plane of the paper. And that goes without saying actually, you know, because magnetic field is there, under the paper, so the plane of the loop is there, perpendicular. At that instant, when it moves, at that instant, it has got maximum rate of change, right? Because the basic sine curve is there, there is a sine curve here. Okay, so here to here, so maximum change is there. Here to here, so minimum change is there. So you must have done very similar problem 100 times while practicing such questions. जब ये प्लेन इस बी के परपेंडिकुलर है उस इंस्टेंट पे जब ये मूव कर रहा है रोटेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम. और एक इंस्टेंट जब ये प्लेन बी के अलाइन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज इज मिनिमम. सो दैट इज बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर ओके राहुल टेक ओवर 8 या सो वी आर कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 8.
ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट। अगर हम ध्यान दें इसमें तो इन्होंने बोला हाइड्रोजन एटम एंड वी आर रिमेम्बरिंग द बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड दे आर सेइंग दैट कोई इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर जंप कर रहा है फ्रॉम वन क्वांटम नंबर Ni टू अनदर क्वांटम नंबर Nf और Vi एंड Vf आर रेस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं समझ गया कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। याद करो ये वो है जो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने U सिंबल यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर यूज V देयर, तो U होता है -mz² e^4 / 4εN²n²2। बस हमारे काम की बात है कि U इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², बस UI बाय UF कर दिया जो हो जाएगा Nf² / Ni²। इसकी वैल्यू इन लोगों ने कितना दिया है, दे आर गिवन इट एज 6.25। ओके सो व्हाट विल हैपन इज कि मैं इसका स्क्वायर रूट कर लूंगा तो Nf बाय Ni इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, फिर भी 2.5। तो हमारा जो Nf है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.5 इंटू Ni। तो अभी कोई भी नंबर हो सकता है, बट नाउ व्हेन आई एम लुकिंग हियर दे आर सेइंग दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Nf। हमें पता है कि Ni और Nf दोनों को इंटीजर्स ही होना चाहिए, तो Ni की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो Nf की वैल्यू 2.5 विच इज नॉट पॉसिबल। Ni की वैल्यू अगर 2 रख दिया है तो Nf की वैल्यू आती है 2.5 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो आई रियलाइज फ्रॉम हियर दैट Ni की जो एक्चुअल अलाउड वैल्यू है दैट इज 2 और करस्पॉन्डिंगली Nf की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 5। सो आवर राइट आंसर ऑफ दिस वॉज 5, 5 वॉज द राइट आंसर। Remember in J96 they had asked a very similar problem, but that was way tougher than this. So kya hota hai ki they have used the concept of parallel slabs. Agar aapke paas aise stack of slabs hai aur ek ray enter karti hai to usme what remains constant is sin I into mu, that you must have done. So mu into sin I is constant for parallel stack of slabs. तो यहाँ पर ये जो 12 वाला मीडियम है इसका इंडेक्स दिया है 1.6, अरे एंटर्स हियर स्लैब 1 देन स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब 4 टू स्लैब n और धीरे धीरे क्या हो रही है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल एट इन अ पर्टिकुलर स्लैब स्लैब नंबर n इट स्टार्ट ग्रेजिंग। सो व्हेन इट स्टार्ट ग्रेजिंग हियर वी कैन से 90 डिग्री है राइट। सो अब इसके लिए म्यू इंटू साइन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू इसके लिए म्यू इंटू साइन ऑफ दिस आई। सो यहाँ पर हम देखते हैं नीचे वाले के लिए म्यू कितना है 1.6 और साइन ऑफ थीटा आ गया। अब देन उसके बाद में जब हम इस पे आते हैं इसका म्यू कितना हुआ है 1.6 माइनस एम इंटू डेल इटा इज गिवन टू बी 0.1 एंड दिस इंटू साइन ऑफ 90। सो द क्वेश्चन इज द रे इज रिफ्लेक्टेड ऑफ पैरेलल इंटरफेस बिटवीन एम स्टैक फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टैक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। So when you solve this question, okay, then in that case, n comes out to be 8. So that is question number 9 ka, 8 is the correct answer. Or 10 ka. Yeah, so this was also a nice one. J94 में भी एक बार एक पहले पूछा जा चुका है, उस समय ब्लड में हम लोगों ने सोडियम डाला था, इस बार ब्लड में हम लोग ज़ेनॉन डालते हैं। ओके सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोई ह्यूमन बॉडी है उसमें कोई ज़ेनॉन का थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया है और उसने एक्टिविटी शो किया हुआ 2.4 × 10⁵ बैकुरल, बस ये इनिशियल एक्टिविटी हो गई है। फिर इन लोगों ने बताया हुआ है कि आफ्टर 11.5 आवर्स सम सैंपल ऑफ द ब्लड इज टेकन आउट और उसमें जो एक्टिविटी मेजर करी है दैट इज 150 बैकुरल। तो बस हमें क्या करना चाहिए, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है A = A₀ e^-λ(t) और पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन लीटर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने एक्टिविटी ए लिखा है 150 तो वो पर 2.5 ml है तो इंटू वी इन ml कर दो तो आ जाएगा टोटल एक्टिविटी विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड आफ्टर 11.5 आवर्स एंड दैट विल बी इक्वल हाउ मच इट इज ए नॉट हमें दिया हुआ है e^-λ(t)। यहां रखना है कि टाइम हमने आवर्स में लिया है तो लैमडा को भी हम लोग 1/आवर्स में लिखेंगे। खैर यहां पर बस थोड़ा सा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट कर दिया। हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट स्टेप था दैट दे हैव गिवन दैट For approximation, e^(x) can be written as 1+x, where mod x is very less as compared to 1. हमें पता ही है, तो हमने यहाँ पे 1 minus of 1+x देखा है, लेकिन x की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई है। ln2/t हाँ, ln2 they have given as 0.7 और t हाफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? That is 8
आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इंटू 24. इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं ये बन जाता है समथिंग लाइक 1 - 1/24, जो वेरी नियरली हो जाएगा 23/24. सो आई एम गेटिंग दिस 115 इंटू बी एंड दैट डिवाइड बाई 2.5 इंटू दिस इज 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 5. जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट द वैल्यू ऑफ दिस वॉल्यूम इज कमिंग आउट टू बी 5. वैसे तो 5000 यहाँ पे आंसर आएगा ml में, उसको कन्वर्ट करने के बाद आंसर लीटर्स में आ जाएगा. वैसे इसको सॉल्व करने में वी का आंसर आएगा 5000, जो कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा 5 लीटर्स. सो 5 वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10. ओके या सो विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 11. सो 11 इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें बोलता है कि देयर इज अ स्टेशनरी सोर्स, या एक स्टेशनरी सोर्स है and it is emitting sound of F0 frequency, right? Question 11. The sound is reflected by a large car. Now, this is a car hai yahan par. Fine. This car is moving toward this side. The car is like this. Its speed is given to be 2 m/s. 2 m/s. So, sound here will come, strike will come, sound will come back. Now, this source pe jab dono frequencies wapas se aati hai, matlab ek to kuch ki frequency F0 natural frequency और एक रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, सो दैट इज F2. सो वी नो दैट इफ देयर टू फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, से F1 एंड F2, देन बीट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज F1 - F2, राइट? सो इन दिस केस एक फ्रीक्वेंसी F0 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी F2 है, तो इनका डिफरेंस निकालना है, राइट? तो अभी एक वेव जाती है, इसको स्ट्राइक करती है, तो जब वेव को स्ट्राइक करती है उसके लिए ये ऑब्जर्वर है, राइट? ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, एंड द फॉर्मूला फॉर द रिसीव फ्रीक्वेंसी, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इज दिस. तो यहां पर 2 पुट किया या 330 पुट किया, इट कंसर्न टू 332/330 F0. नाउ ये जो ऑब्जर्वर था, अब ये सोर्स बन जाता है, नाउ व्हेन रिफ्लेक्टिंग दैट मींस इट बिकम्स अ लोकल सोर्स और ये एक लोकल ऑब्जर्वर बन जाएगा उसके लिए. तो नाउ वी नो द फॉर्मूला, व्हेन सोर्स इज मूविंग इट कंसर्न टू लाइक दिस, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग, राइट? तो अब ये F1 क्या है? F1 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस सोर्स, जब ये सोर्स था, सॉरी जब ये ऑब्जर्वर था, तो एज ऑब्जर्वर इसने F1 सुना था, तो F1 को रिलीज करेगा, एंड F1 आई कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम हियर, इट कम्स आउट टू समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ F1. तो अब वापस जो F2 सुनेगा, द वे व्हिच इज कमिंग बैक इज F2, दैट कम्स आउट टू बी दिस. तो दिस इज द सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो बेसिक फ्रीक्वेंसी F0T और जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो F2 है. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट यू विल गेट आंसर वेरी इजीली, इट इज 332/328-1 F0. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F0 यू गेट द आंसर एज 6. सो इसका 11 का 6 ऑप्शन करेक्ट. ओके सो वी आर नाउ कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 12. काफी ये भी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी, एंड दैट इज रिगार्डिंग द सरफेस टेंशन. एक हमने डेफिनेशन पहले किया हुआ है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस. और उसमें एक और डेफिनेशन होता है, दैट इज द इंक्रीज इन द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. ओके तो बस यहाँ पे क्या हुआ है, कोई लिक्विड ड्रॉप है, इट इज बर्स्टिंग इनटू सम के नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो वॉल्यूम कंजर्वेशन पहला स्टेप, 4/3 pi कैपिटल आर क्यू विल बी इक्वल टू के इंटू 4/3 pi स्मॉल आर क्यू. वहां से आ गया है कि के इंटू स्मॉल आर क्यू दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज द सेम ओल्ड फॉर्मूला, इंक्रीज इन द सर्फेस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द सर्फेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया. ओके सो व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम हियर दैट एस इंटू, हमने वही फॉर्मूला यूज कर दिया, पुराना एरिया था 4π × R² नया हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 4π × r². ओके सो यू रिटन दिस पार्ट देयर. तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर मुझे ये रिजल्ट यूज करना है तो मैंने जो फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल r बाय कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है? तो और k इंटू स्मॉल r क्यूब कितना बन जाएगा, इट विल बिकम कैपिटल R क्यूब. तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा बन गया है कि कैपिटल R क्यूब एंड दैट डिवाइडेड बाय इट इज स्मॉल आर. सो कैपिटल आर स्क्वायर को हमने कॉमन बाहर ले लिया है, तो नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन विच आई हैव गॉट, डेल्टा यू इज एस इंटू 4π × R² एंड दैट टाइम्स ऑफ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर -1. उसके बाद कुछ नहीं, खाली मैंने वैल्यूज यहाँ पर रखती है. सो ये सारी वैल्यूज ये 10^-3 फॉर पोटेंशियल एनर्जी, 0.1/4π
हाँ कैपिटल आर दिया है, टेन स्क्वायर ऑफ माइनस टू उसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ ध्यान देना कैपिटल आर बाय स्मॉल आर को यहीं पर रिप्लेस कर दिया इस क्यूब रूट ऑफ के और माइनस वन। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं देन वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस दैट हियर द नंबर 100 इज कमिंग एंड दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ के एंड माइनस वन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज किया है मैंने, अगर यहाँ पे इसको लेगा तो 101 आ जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि 101 का जो क्यूब है दैट इज इक्वल टू के। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है दैट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा, दे हैव आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन दैट के इज इक्वल टू सम 10 रेज टू पावर ऑफ अल्फा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम एक काम करेंगे 101 क्यूब इज वेरी नियरली इक्वल टू लाइक 100 क्यूब देयर, तो यहाँ पे 100 क्यूब ही कर दो, यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 10 रेज टू पावर ऑफ 6 आ जाएगा वहां पर, सो वेरी नियरली इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर ऑफ 6, वी आर गेटिंग दैट अल्फा इज इक्वल टू 6। ओके, सो दैट वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस 12th क्वेश्चन, अल्फा वॉज इक्वल टू 6। ओके, नाउ द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, एक्चुअली बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई फील इट्स मोर ऑफ यू नो डेटा मैनेजमेंट क्वेश्चन, आपको बहुत सारे डिटेल दे रखे हैं, आप किस तरह से डेटा मैनेज करते हो कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां लग रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स यहां लग रहा था और सच थिंग्स, तो काफी सारे इन्होंने डेटा दिया हुआ है एंड वी हैव टू डील विद द डेटा हियर, सो आई हैव जस्ट यू नो मेड अ होल टेबल फॉर यू। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द मोमेंट इज इन द कांस्टेंट वेलोसिटी द फर्स्ट थिंग स्ट्राइक्स अस इज नेट फोर्स विल बी जीरो, और नेट फोर्स जीरो कब होगा जब उसका मैग्नेटिक फोर्स और जो उसका मैग्नेटिक फोर्स और जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। फाइन, तो अभी उसको देखते हैं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं दैट केस, राइट। सो अभी जब मैं बोलता हूं कि जैसे अगर मैं ये एक्स लेता हूं तो ये दोनों रूल आउट करने पड़ेंगे मेरे को, बिकॉज इस एक्स के साथ ये दोनों जा ही नहीं सकते, बिकॉज कोई फोर्स आएगा नहीं, राइट। और अगर मैं ये एक्स लेता हूं और ये इन दोनों से एक लेता हूं लाइक एक्स साइड एक्स एक्टिंग विद दिस वाई, देन इन दैट केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। सो नाउ आई चेक इट हियर बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई डोंट नो व्हाट द आंसर, तो मैं चेक करता हूं कि ये x की तरफ है, लेट मी ड्रॉ दिस थिंग्स हियर, से x एक्सिस यहां पर है, y एक्सिस यहां पर है एंड से z एक्सिस यहां पर है। फाइन, अब जब मैंने ये ऑप्शन लिया वेलोसिटी का तो मतलब ये इधर जा रहा है। फाइन, अब मैंने ये ऑप्शन लिया मैग्नेटिक फील्ड का, अब नाउ इट्स एन इलेक्ट्रॉन सो उसको जो फोर्स है वो उल्टा लगा होगा, जैसे कि b इज इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी हियर, सो फोर्स इज टिपिकली दिस वे, बट इन दिस केस ये अंदर होगा माइनस जेड एक्सिस पर होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी अलॉन्ग सच अ डायरेक्शन सो दैट इसको मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड के अलॉन्ग आएगा, तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड के अलॉन्ग आएगा, देयर इज नो ऑप्शन वेयर इट इज अलॉन्ग माइनस जेड एक्सिस, तो ये ऑप्शन इसके साथ नहीं बैठ रहा है, एंड इनफैक्ट एक ही करके हम सारे ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं, सो लेट मी टॉक अबाउट द करेक्ट वन हियर। सी, इफ यू टेक वेलोसिटी टू बी दिस, अब ये मैटर नहीं करता इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, एक्चुअली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हुआ तो सब कुछ उसका नेगेटिव लगेगा, राइट। सो टू मेक इट इजी लेट्स टेक दैट ये प्रोटॉन ही है और इसकी वेलोसिटी जो है वाई के अलोंग, वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन। फाइन, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वो वाई के अलोंग आपको नहीं चलेगा, बिकॉज वाई के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड दैट विल नॉट गिव यू एनी फोर्स, सो इट शुड बी ईदर एक्स और इट शुड बी जेड। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूं बी नॉट जेड को, तो बी नॉट यहां पर है, तो अभी आपको देखिएगा कि बाय यूजिंग दिस रूल बी इज हियर, बी इज हियर, फोर्स इसको इधर लगेगा, फोर्स अलोंग डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां लगना चाहिए, सो इफ इट वाज इन ऑप्शन विच इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस देन दैट विल सफाइस द पर्पस, सो दिस वन, सो अगर इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, आई मे गेट अ करेक्ट आंसर एंड देन आई लुक एट द मैग्नीट्यूड एंड इट कम्स आउट टू द सेम, बिकॉज ये सारे बी नॉट नॉट कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन दे गो टुगेदर, सो टू थ्री एंड एक्स,
सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 13th क्वेश्चन आ गया, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. नाउ टॉकिंग अबाउट 14th वन, इन विच केस वुड द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो किस केस में वो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मूव करता है, इस डायरेक्शन में कब मूव करेगा? तो अगेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको कहीं ना कहीं एक्स जेड प्लेन पे लगना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी अगर इसकी वाई के अलॉन्ग है वाई माइनस वाई तो उसके अलॉन्ग भी नेट फोर्स लग नहीं सकता मैग्नेटिक वाला. तो अगेन मैंने इसका फिर ऑप्शन देखा कि इफ वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन देन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ई नॉट वाई हाफ. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस विल फोर्स इट डाउन, उसके से नीचे आएगा. फाइन, ठीक है. और आपको इनिशियल वेलोसिटी आप इसको जीरो दे दो तो ऑटोमेटिक नीचे आना चाहिए, प्रोवाइड दे दो मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा जब वो कोई वाई के अलॉन्ग हो. सो हियर यू नो दिस सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलॉन्ग है और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इसको वाई के अलॉन्ग मूव करेगी और शुरुआत में इसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं. सो दिस विल ड्रैग इट डाउन एंड सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अलॉन्ग द डायरेक्शन सो दैट विल नॉट बी ऑब्जर्व. तो उसके से भी फर्क ही पड़ेगा, मैग्नेटिक उसको उसको वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा. सो इन दैट केस इसका आंसर आता है दिस ऑप्शन, मैं यहां रखा दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन. सो दैट गिव्स मी 3, 2, R. इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट होता है. द लास्ट वन, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब अ हेलिकल पाथ विद एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. तो हम लोगों ने पहले कई बार क्वेश्चन किए होंगे कि अगर ये एक्सिस है हेलिक्स का तो फिर मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इट, राइट. सो अब उसने मेंशन कर दिया है क्लियरली कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो डेफिनेटली दिस इज द ओनली ऑप्शन विच वी कैन ट्राई. अब जेड के अलॉन्ग उसने मैग्नेटिक फील्ड लिया है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो इसके अलॉन्ग देगा तो हेलिक्स का पिच बढ़ते रहेगा, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी के अलॉन्ग होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी मैग्नेटिक फील्ड वाले एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हुआ देन इट नेवर बी हेलिक्स एक्चुअली, राइट. सो इनमें सब चार ऑप्शन में देखते हैं तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग है. सो दीज टू केसेस एंड दीज टू सिचुएशन हियर, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं, इसको ऐसे मार्क कर देता हूं एंड देन आई विल डू समथिंग फ्रॉम दिस. नाउ इसमें आई कैन हैव, अगर मैं वेलोसिटी जीरो ले ली है तो वेलोसिटी जीरो ले ली तो क्या होगा, वो जेड के अलॉन्ग भागता रहेगा, इट वॉन्ट बी हेलिक्स, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, राइट. और अगर मैंने वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग ले ली है, अगर मैंने वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग ले ली है तो इन दैट केस टू ऑप्शन तो सेम है क्या, टू ई नॉट बाई बी नॉट प्रॉब्ली आई जस्ट मेड अ मिस्टेक विद राइटिंग दिस. तो अच्छा दिस इज अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट, दिस इज अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. सो इट शुड बी अ प्रोटॉन एक्चुअली बिकॉज उसने क्लियरली मेंशन किया है, उसने क्लियरली मेंशन किया है कि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज अगर उसने इलेक्ट्रॉन रख लिया तो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो दिस दिस एंड दिस एंड दैट गिव्स अस द ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बट मे बी इन एग्जाम आपको थोड़ा टाइम लग गया सॉल्व करने के लिए. सो दैट वे थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है बस बिकॉज यू हैव टू मैनेज द डेटा देयर, दैट्स इट. ओके सो नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18. अब जिन लोगों ने प्राइम में पढ़ा हुआ है यू मस्ट हैव रियलाइज कि ये पूरा मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और दैट फाइव रोज नो इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू फॉर द आइसोकोरिक एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक एंड सो ऑन. तो टेबल अगर आपने समझ के याद किया होगा तो लिटरली इन अराउंड लेट अस से 2-3 मिनट्स टाइम यू कैन बी सॉल्विंग ऑल दीज थ्री क्वेश्चन 16, 17, 18. मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया हुआ है तो जो कॉलम 3 है वहां पे पूरी साइकिल नहीं ड्रॉ किया, बस का जो रेलेवेंट सेक्शन है ओनली दैट मच आई हैव ड्रॉन देयर, ठीक है. तो मैं अगर देखता हूँ मैं नॉट लिया लास्ट में क्वेश्चन नंबर 16, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी. तो मेरा ध्यान किस पे आता है, व्हेन वी आर सेइंग दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी.
तो समझ में आता है कि वॉल्यूम कितना होता है इंटीग्रल पी डीवी, बट दे हैव टेकन पी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन मींस दैट इट हैज गॉट टू बी एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो समझ में आता है कि हमको आइसोबारिक प्रोसेस जो है उसको यहाँ पर चुनना होगा। तो व्हेन आई एम लुकिंग हियर आइसोबारिक कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, तो सेकंड कॉलम में तो 3 आ जाएगा, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियलाइजिंग। उसके बाद देख रहा हूँ कि आइसोबारिक प्रोसेस कैसा नजर आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो थर्ड कॉलम में इट विल बी द फर्स्ट वन। तो मुझे 3 और P, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम एबल टू जज। उसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट पे अगर आ जाता हूँ इसमें, तो आई एम लुकिंग एट दिस वन आइसोबारिक प्रोसेस मॉडल का फॉर्मूला कितना रहता है, मैं पता ही एस पी इंटू वी टू माइनस वी वन, दैट्स द ऑप्शन व्हिच इज मेंशन हियर आल्सो। ओके देन, तो इसलिए हमको ये समझ में आता है कि द सेकेंड वन और यहाँ पे थर्ड वन और यहाँ पे द फर्स्ट वन, दैट विल बी द राइट। सो दैट मेक्स व्हाट द ऑप्शन सी एज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन सी आ गया है। उसके बाद जो 17th क्वेश्चन है, तो इन दैट इन लोगों ने क्या मेंशन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज यूज्ड एज अ करेक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस। तो हमारे माइंड में आता है लैपलास करेक्शन। तो लैपलास करेक्शन में या तो एज्यूम किया था कि द साउंड प्रोपोगेशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, समझ में आ जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस को हमें यहाँ पर चुनना है। तो एडियाबैटिक कहाँ पे, दैट इज द फोर्थ वन। और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्ब टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी याद में है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गाउ माइनस 1, ये दोनों आ गए। और एडियाबैटिक प्रोसेस इज द मोर स्टीपर वन विच इज गिवन देयर। ओके, तो हमें समझ जाते हैं कि यहाँ पे कॉलम वन में फर्स्ट, कॉलम टू में लास्ट और कॉलम थ्री में जो सेकेंड पार्ट रहेगा, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 17th क्वेश्चन का आंसर जो है, दैट विल बी ये जो वहां पे लिखा हुआ है, तो 17th में द आंसर वॉज ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन उन लोगों ने ऐसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैं ऐसे रैंडमली देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ए एंड बी ऑप्शन में आई एम सीइंग दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 उसमें 2s और 2s आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन चेक करना स्टार्ट करते हैं कि 2 और s सही में मैच कर रहे हैं क्या। तो हम बोलेंगे कॉलम 2 में 2 क्या है, अच्छा आइसोकोरिक है, और कॉलम 3 में क्या है, दैट इज s, सही बात है, 1 2 2, देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो 2 एंड s दैट कैन बी मैचिंग। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि a और b में से कोई भी एक हो सकता है राइट आंसर। वैसे ही जब मैं सी और डी ऑप्शन को देखता हूँ, तो आई एम सीइंग दैट वहां पर फर्स्ट कॉलम में 2 और सेकंड कॉलम में 4 को एक साथ बताया गया है। फर्स्ट कॉलम में 2 मतलब ये है, सेकंड कॉलम में एडियाबैटिक। सो आई एम रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर द वर्ड डन बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन सी एंड डी दे आर रॉन्ग। अब हमें खाली ए और बी में से चुनना है। सो आई एम सीइंग हियर दैट इज जो आइसोकोरिक प्रोसेस था, तो उसमें वर्डन जीरो होना चाहिए, तो स्ट्रेट अवे वी आर इंफॉर्मिंग दैट शुड बी द थर्ड वन इन द कॉलम वन एंड द सेकेंड वन इन द कॉलम टू एंड द लास्ट वन इन द कॉलम थ्री, एंड दैट बॉइल्स डाउन टू द आंसर एज बी व्हिच इज गिवन हियर। सो 18th क्वेश्चन द आंसर इज बी। सो यू हैव रियलाइज दैट थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो इट वॉज वेरी इजी टू स्कोर, दिस वॉज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट। सो फाइन, आई होप दिस सेशन विल बी ऑफ सम हेल्प, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको IIT में कोई अच्छी ब्रांच डिपार्टमेंट या कोई अच्छा IIT मिल जाए, इन केस इफ यू फील दैट यू वॉन्ट यू नो यू फैंसी योर चांसेज मेरे फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आपको लगता है कि एक साल और आपको दोबारा जय देने के लिए प्रिपरेशन करनी है, एंड यू वॉन्ट प्रिपेयर वन सके, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट फॉर दैट बेटर, फॉर दैट वी कैन यू कंटिन्यू विद अवर रिपीटर्स बैच। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।